इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की सरकारों में जो अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं वो सभी दुखी रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो सबसे ज्यादा दुखी रहा है। उनका हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि बड़े पैमाने पर हुआ है। और इतना ही नहीं, अपर कास्ट समाज में से इन दोनों पार्टियों की सरकारों में, सपा व बीजेपी की सरकार में, तो इन अपर कास्ट समाज में से तो केवल जो सामंती लोग हैं वो ही खुशी रहे हैं। और सामंतवादियों ने बड़े पैमाने पर, चाहे तो कमजोर तबके के लोग हैं या अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, उनका बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। आपके प्रतापगढ़ जिले में तो स्थिति बड़ी ज्यादा खराब है, अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश
विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके भी दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है या राशन आदि दिया जा रहा है तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब भी चुनाव होता है, छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, तो बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो गांव-गांव में शहरों की बस्तियों में जाकर जो गरीब लोग हैं तो उनको क्या कहते हैं कि बीजेपी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आप इसके बदले में बीजेपी को वोट दीजिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। क्योंकि मैं गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनको भी फ्री में राशन मिल रहा है वो बीजेपी की जेब से नहीं दिया जा रहा है, आरएसएस की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर जो जनता सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो पैसा आता है उस पैसे से आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिस पे आपका अधिकार है, बीजेपी या अन्य बीजेपी व आरएसएस का अधिकार नहीं है, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपना वोट तो इनके बहकावे में आकर गलत पार्टी को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में सत्ता बीएसपी की सत्ता आने पर या सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है
देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र के जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशी राम जी आदि का अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात प्रतापगढ़ सदर लोकसभा की सीट से हमने श्री पृथ्वीश मिश्रा को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके ये साथी योग्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वकालत करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ ये मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद आपके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। आपके ऊपर जुल्म जाती भी होगी तो उस मामले में भी आपको न्याय दिलाने में ये पीछे नहीं रहेंगे, आपके लिए सही पैरवी करेंगे, सही वकालत भी करेंगे। तो ऐसे अपने साथी को आप लोगों को जरूर काम